जबलपुर का रंगमंच जो है उसके बारे में बताने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और प्रभाव क्या पड़ते हैं। एक तो कलाकार के व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन आता है कि वो मल्टी टास्किंग फिगर बन जाता है। अब देखिए कि अगर वो मल्टी टास्किंग फिगर बनता है, किस तरह से वो संयोजन करता है, किस तरह से वो काम करते हैं, ये आंखों देखी हुई घटनाएं हैं। कुछ बच्चों को जिन्हें बोलना नहीं आता था, आज उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत सुपर और उनका जो डायरेक्शन बहुत अच्छा देते हैं। यहाँ पे छात्र अक्सर अपने निदेशक को दादा शब्द का संबोधन करते हैं, तो वो होता है काफ़ी चेंज आया है। जिन बच्चों से भी मिले हैं वो उनमें काफ़ी परिवर्तन आया है और उनमें एक सरोपा सिर से पांव तक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है उनके व्यक्तित्व का, और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। एक शिकायत हुई है, मिली है मुझे इन्हीं बाल कलाकारों की, कि ये बड़ा लाउड हो जाते हैं और उसका कारण ये थिएटर से आते हैं, इसलिए बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये थिएटर से आते हैं, इन्हें डायलॉग जो बोलने की स्टाइल है वो इतनी लाउड हो करनी पड़ती है। बहुत सेंसिटिव माइक नहीं होने की वजह से उनको बहुत सेंसिटिव तरीके से बात करनी होती है, तो ये समस्या उनकी है, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। जिनकी भी ये शिकायत है उनकी शिकायत को मैं तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप उनको कैमरा फेस कराते हैं तो प्लीज़ आप खुद ही कोशिश करें कि कुछ परिवर्तन आप ले आएँ, कुछ थोड़ी हल्की सी वर्कशॉप दे दें, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं कि वो चेंज कर लेंगे, जैसा आपने कराया भी है। तो कैमरे के एंगल को समझना, तो फिल्मों से थिएटर बिल्कुल अलग है और शो मस्ट गो ऑन, कभी रुकता नहीं है शो, कमिटेड हो जाते हैं और शो मस्ट गो ऑन को चरितार्थ कर देते हैं कलाकार। पिछले दो साल पहले मैं इनकी वर्कशॉप देख रहा था, तो भर गर्मी के समय में, जब ये COVID-19 के भी पहले की बात है, माहौल इलेक्शन का था, इलेक्शन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ में कर रहा था, और जब मैं इन बच्चों से मिलने जाता था तो देखता था कि गर्मियों में किस तरह से ये सीमित साधनों में असीमित कोशिशें करते रहते थे। तो ये था बच्चों का जो एकलव्यपना, यही शब्द ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इन बच्चों के लिए, और मैं इनको बधाई देता हूँ, इनके गुरुओं को बधाई देता हूँ। तो ये तो है प्रभाव, और ये हर उम्र के बच्चों पर पड़ सकता है। लोग कहते हैं सेठ गोविंद दास जी, तो सेठ गोविंद दास जी बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लिखते थे, अच्छे नाटक लिखते थे, उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया, धर्मदास जायसवाल जी, और मेरे चाचा उमेश नारायण बिलोरे, वो भी थिएटर के बड़े प्रेमी जीव थे और उन्होंने बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन कान पकड़ के रेलवे स्टेशन से उनके बड़े भाई साहब यानी हमारे ताऊ जी ने, कान पकड़ के नहीं, ये शब्द तो मैं मजाक में इस्तेमाल कर रहा हूँ, वापस ले आए, क्योंकि उन्हें कहीं शो के लिए जाना था और आज़ादी के बाद के कुछ साल बहुत संघर्ष भरे थे और उनको वापस लौटना पड़ा, और वे थिएटर रंगकर्म से कट गए, लगभग कट गए,
और उन्होंने अपना जॉब वॉब कर लिया, जो भी उनको जॉब मिला वो करना पड़ा उनको, चूँकि रोज़गार समस्या और आज भी आज उससे ज़्यादा बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन पहले इतना तो हुआ करता था। आज थिएटर आर्टिस्ट बहुत समस्याओं में जूझने के बावजूद भी बहुत अच्छा आय अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। एक थिएटर करने में कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तो उसकी तैयारी में लग जाता है, और फिर मंचन का भी लगभग उतना ही, मिनिमम कास्टिंग बता रहा हूँ, छोटा सा जो नाटक है उस पर जिसमें तमाम सारा खर्च मिला के 0.5 लाख या क्षमा करें 0.5 लाख से कुछ ऊपर तक का खर्चा जो है वो इनको करना पड़ता है। तो ये एक समस्या बहुत बड़ी है और इसमें उतना मदद तो मुझे नहीं लगता कि कोई शासकीय संस्थान दे पाते होंगे ना। हाँ, जबलपुर में दर्शक अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ पासेस भी बिकते हैं, और बिकना भी चाहिए, बटना भी चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि नाट्य विधा को जीवंतता देने के लिए दर्शकों का आना जरूरी है। लेकिन मैं इस सब मुद्दों से हट के एक और बात करना चाहता हूँ। मैं अपने नाटक इस वीडियो के दूसरे पार्ट में प्रतिबद्धताओं की बात कर दूंगा, भले ही कल कर दूं, आज तो काफ़ी समय भी हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नाटक में जो कमी नज़र आ रही है जबलपुरिया थिएटर में, वो कमी कुछ हद तक दूर हुई है। जब मैंने नादिरा बब्बर का नाटक देखा था और भी कई सारे नाटक देखे थे, यहाँ पे नाट्य महोत्सव होते रहते हैं, तो वहाँ कभी कभी सीरियस नाटक भी, कभी कभी क्या, ज़्यादातर सीरियस नाटक भी प्रोफेशनल और बड़े ग्रुप्स के द्वारा लेकर आए जाते हैं, और ये ग्रुप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। लेकिन जबलपुर में बिशप परसाई जी की कहानियाँ और व्यंग बड़े चुटीले थे, ज़्यादातर उसी का इस्तेमाल होता देखा था, लेकिन अब परिवर्तन आ रहा है। अब उन मुद्दों को, सटायर्स को लिया तो जा रहा है, लेकिन उसको उस तरह से नहीं। मैं निर्देशकों से ये निवेदन करूँगा कि दर्शक आता है तो आने दीजिए, नहीं आते तो जबरन हास्य के नाम पर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। गंभीरता तो होनी चाहिए, क्योंकि कितना प्रभाव छोड़ते हैं आप नहीं जानते हैं नाटक को। मैं किसी नाटक को अगर वो भावात्मकता से रचा बसा हो तो मैं सह भी नहीं पाता, और बेशक रुमाल निकाल के आंखें पोंछने के अवसर मुझे कई बार आए हैं, ऐसे मौके कई बार मिले हैं। तो अपनी क्षमता है, हम नाटक क्यों देखें? सिर्फ हंसी मजाक देखने के लिए तो वो रोज़ टीवी में आता है, वो आजकल अभी तो कुछ दिनों से बंद है, कपिल शर्मा नाम का प्राणी, वो भी। और फिर ये कवि सम्मेलन, ये कम नाटकबाज हैं क्या मंचों पर जो कवि सम्मेलन चलते हैं? इनके ये आधे घंटे तो चुटकुला सुनाते हैं। आप इनको देखिए कि इन्हें इन कविता ही छोड़ के सब पूरे कर्म करते हैं स्टेज पर। चहलबाजियाँ जो हैं वो तो जग जाहिर हैं, स्तरहीनता है। तो अब तो कभी सम्मेलनों में जाने की हिम्मत भी नहीं होती, इच्छा नहीं, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि झेल नहीं सकते हम उसको, गंभीरता का तत्व मौजूद नहीं है। चलिए छोड़िए, वापस आते हैं हम नाटकों पर। तो नाटक जिस तरह से खेले जा रहे हैं और खेले जाने चाहिए, उसमें काफ़ी परिस्थिति में आपको बदलाव लाना पड़ेगा।
आप ये नहीं कह सकते कि दर्शक ऐसा देखना चाहता है, क्योंकि दर्शक आप बना रहे हैं। किसी को फुर्सत नहीं है कि वो नाटक देखने आए, लेकिन जबलपुर का दर्शक आ रहा है, इसका मतलब आपने डिमांड क्रिएट कर दी है, क्योंकि आप 6 दशक से संघर्ष कर रहे हैं और आपने बड़े अच्छे मन से और मनोयोग के साथ में नाटकों का मंचन किया है, जिसे लोगों ने पसंद भी किया, सराहा भी है। तो ये आपका एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। रहा सवाल प्रतिबद्धताओं का, तो मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज विश्व नाट्य दिवस जो कल बीता है, उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं, और प्रत्येक जो गंधर्व है, कलाकार को मैं गंधर्व कहता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा इस पर, इसकी प्रतिबद्धताओं के बारे में, लेकिन कुछ नए प्रयोगों को भी मैं शुरुआत में उल्लेख करूँगा, उनका भी उल्लेख करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए लगे हाथ। बात तो ठीक ठाक कही है, बात ठीक ठाक कहने की आदत भी है। अगर गलत लगी हुई हो तो कमेंट में बात कर दीजिए, मुझे समझा दीजिए, पर शुभकामनाएं तो लीजिए विश्व रंगमंच दिवस की। नमस्कार।